जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी किसी संगत को बड़े मंदिर और सत्संग में बहुत बुलाते हैं और किसी को बिल्कुल भी नहीं बुलाते, ना ही बड़े मंदिर में और ना ही सत्संग में। ऐसा क्यों है? संगत जी, ये बात सच है कि गुरुजी किसी संगत को सत्संग में या बड़े मंदिर बहुत ज़्यादा बुलाते हैं और किसी संगत को सत्संग में या बड़े मंदिर बिल्कुल भी नहीं बुलाते। पर एक बात बताओ, जो संगत बड़े मंदिर जा रही है वो तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, और जो संगत बिल्कुल भी नहीं जा पा रही, ये भी तो हो सकता है संगत भी जाने के लिए एफर्ट्स ना कर रही हो। गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया है, हमारा हाथ थामा है, अब हमें बड़े मंदिर भी वही बुलाएंगे। हमें भी तो मंदिर जाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब हम एक जगह बैठ जाएं और बोलें, गुरुजी आप तो हमें मंदिर बुला ही नहीं रहे हो, तो कैसे चलेगा? बहुत संगत बोलती है, गुरुजी हमें भी बुलाओ। संगत जी, जाने की कोशिश तो आप ही करोगे ना। गुरुजी ने आपको संगत बना दिया, अपना हाथ पकड़ा दिया, अब आपकी बारी है उनका हाथ पकड़ने की। एक स्टेप उन्होंने बढ़ाया, एक स्टेप आप भी तो बढ़ाओगे। गुरुजी ने कब ऐसे कहा कि तुम बैठे बैठे बोलते जाओ, आप बुला नहीं रहे और तुम्हें मैं खुद बुला लूँगा? माना गुरुजी बुलावा देते हैं, गुरुजी ही हमें मंदिर के लिए बुलाते हैं, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स तो हमें भी करने पड़ते हैं। हमें प्लान करना पड़ता है, हमें टाइम निकालना पड़ता है, तभी तो हम गुरुजी के मंदिर पहुँच पाते हैं। आप बताओ, ताली कभी एक हाथ से बजती है? नहीं ना, ताली के लिए भी तो दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है। तो अब गुरुजी ने राह दिखा दी, संगत बना दिया, गुरु परिवार का हिस्सा बन गए हो, तो खुद भी तो थोड़े से एफर्ट्स करो जाने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारा प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम है और हम बिना पढ़े बोले, गुरुजी सब आपके हाथ में है, पास कर देना, आपसे ही सारी उम्मीद है, आप लास्ट उम्मीद हो मेरी, पास होते ही आपका सत्संग कराऊंगी, भोग लगाऊंगी, गुरुजी मैंने पेन भी आपसे ब्लेस कर लिया है, सब गुरुजी पर डाल दिया, पर आप पढ़ना तो भूल ही गए। अब पेपर आपका है या गुरुजी का? लिखना आपने है या गुरुजी ने? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं करोगे, पास कैसे होगे? गुरुजी बोलते हैं, मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये नहीं बोलते कि बिना पढ़े मैं तुम्हें पास करा दूँगा। एफर्ट्स हमें ही करने पड़ते हैं। ऐसे ही चलना तो आपने अपने पैरों से है, प्लान भी आप ही बनाओगे, टाइम भी आप ही निकालोगे। गुरुजी ने राह दिखा तो दी, एफर्ट्स तो करो जाने के लिए। पास में कोई सत्संग है, अब सोचते रहोगे मुझे बुलावा नहीं आया तो कैसे जा पाओगे? गुरुजी के मंदिर और सत्संग बिना इनविटेशन के जाते हैं। अगर सारा लोड गुरुजी पर डाल दोगे तो वो भी कहेंगे, इतनी बार अलग अलग तरीके से समझाया, हुन आ जा मंदिर या सत्संग कर, अब तू नहीं समझ रही तो मैं क्या करूँ? गुरुजी आपको आंसर्स देते हैं, समझाते हैं। समझना तो आपको ही है कि गुरुजी किस तरीके से समझा रहे हैं। चलो अब जो जो मंदिर नहीं गए हैं या सत्संग नहीं गए हैं, जल्दी से होकर आओ और खूब सारी ब्लेसिंग्स लेकर आओ, क्योंकि एफर्ट्स आपको ही करने हैं। लेकिन हाँ संगत जी, बहुत कम संगत के साथ ऐसा होता है कि वो जाने के लिए रेडी हो जाती है पर जा नहीं पाती, उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। कभी आधे रास्ते पहुंचती हैं फिर घर वापस आ जाती हैं, या फिर कभी आधे रास्ते पहुंचती हैं फिर घर वापस जाना पड़ता है, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। बहुत कोशिश करती है जाने की लेकिन पहुंच ही नहीं पाती, फिर कोई बैड न्यूज़ भी आ जाती है। तो ऐसी संगत को धीरज से काम लेना चाहिए, कभी कभी हो जाता है ऐसे, पर कोई बात नहीं, गुरुजी के टेस्ट में पास भी तो होना है। कोशिश करना मत छोड़ना, अनलिमिटेड प्लान्स बनाते रहना कि गुरुजी आप नहीं मान रहे, आप बुलावा नहीं दे रहे, मैं भी आकर ही रहूँगी।
ऐसे टेस्ट भी पास हो जाएगा, आपकी कोशिश भी सफल हो जाएगी, आप मंदिर भी पहुंच जाओगे और गुरुजी भी हैप्पी हो जाएंगे कि आखिर तूने टेस्ट पास कर ही लिया। तू मेरी पक्की संगत है, हार मानने वालों में से नहीं है। हमें हमेशा पक्की वाली संगत बनना है जो गुरुजी को दिल से माने, भीड़ वाली संगत नहीं बनना है जो एक बार आई और फिर पूछती है गुरुजी कौन है। चले जाएंगे गुरुजी के पास, कोई बात नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, दिल से मानना है गुरुजी को, पक्की वाली संगत बनना है। गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे हैं तो हमें भी उनको पास होकर दिखाना है। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।